दिख रहे हैं पूरे के पूरे, और सुबह जो है वो होंठ ऐसे खुले भी नहीं। तो ऐसे नहीं है बेटा, बोलना जो है वो सीखना चाहिए। केवल मतलब विमला ने जो है, मैं ये मानती हूँ मेरा जब से कोचिंग चल रहा है ना, मैंने कभी इतना, मैं किसी भी बच्चे के साथ इतना रूड नहीं हुई जितना ये आते ही जैसे मैं आँख चढ़ा देती, क्या आज तुम आई हो, क्या क्या करने आई हो। मैं हम क्लास ले रही थी, उसके बाद इतना डिसेंटली ये बोले अच्छा ठीक है जाओ ले लो। उसके बाद फिर तीन दिन अटेंडेंस वाली फॉर्म पे मुझे दिखला विमला बिश्नोई जो है वो ऐसे लगे, मैं साइन हुआ ही नहीं। फिर चौथे दिन मैं बैठी हूँ, फिर मेरी नज़रों के सामने, तीन दिन तुम कहाँ थी मैम, ऐसी तबीयत खराब हो गई थी। फिर ठीक है अच्छा चलो तबीयत खराब हो गई तो आगे क्या बोले, चलो आज की क्लास ले लो, अगेन फिर तीन दिन गायब। तो वो बैच था, फिर उसके बाद वो बैच खत्म हो गया, फिर उसके बाद एक बैच आया उसमें इनका कहीं आता पता नहीं। थर्ड बैच था उसमें अचानक बैग वैग लेके पहले दिन आ गए, मैंने कहा कहाँ कहाँ मैम मेरा छूट गया था। तो मैंने कहा तो छूट गया था तो हम क्या करें, तो मैडम मुझे पढ़ना है। तो मैंने कहा मेरी गलती थी, हमने छोड़ा था क्या, बैच चला था ना, कंप्लीट हुआ था ना मैम, लेकिन ये प्रॉब्लम थी, ऐसी प्रॉब्लम थी। मैंने कहा तुम्हारी समस्याओं के लिए हम हैं। फिर मतलब आप ये देखो, वो तीसरे वाले बैच में भी इतना प्यार से डांटते हुए समझाते हुए जो भी अलाउ किया उसमें भी रेगुलर ले रही थी, और अभी भी मुझे लगता है एग्जाम होने को होगा तो एक बैच इनको पकड़ना पड़ेगा पूरा अच्छे से स्टार्टिंग से एंड तक, क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर भी इनका सिलेक्शन जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। लाइब्रेरी के अंदर टॉप रैंक्स में इनको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, टॉप रैंक्स में ही आएंगे। तो अग्रिम शुभकामनाएं संस्थान के साथ है ना। और बाकी तो जो इन्होंने कहा है कि थोड़ा बहुत जो डीमोरलाइज हो जाते हैं और भाइयों ने अप्रिशिएट किया, तो भाइयों को मेरे तरफ से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ऐसे भाई अगर घर में हो और अप्रिसिएशन अगर मिले, आज लक्ष्मी है, लक्ष्मी की भी मैं बात करूंगी, तो इनके भाइयों ने इनको बहुत अप्रिशिएट किया है। लास्ट ईयर जब ये नेट क्वालिफाई हुई थी यहीं पे हमने सम्मान किया था और मैं साफा डाल रही थी, उस समय भाइयों ने कहा कि ये इसकी मंजिल नहीं है, आज ये साफे का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, साफे का मंजिल हम जो देख रहे हैं वहाँ पर जाए तब ये कार्यक्रम होना चाहिए था। और हमने कहा आज अगर साफा है तो इसके ऊपर चढ़ते ही इसके साथ कुछ और आएगा, और हमें जुगाड़ करना पड़ा सच में इस बार के फंक्शन के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि प्यासे जो चल पड़े हो, प्यासे जो चल पड़े हो दरियाए दिल मिल ही जाएगा, प्यासे जो चल पड़े हो दरियाए दिल मिल ही जाएगा, बस लगन में मगन की अगन होनी चाहिए। तुमसे मिले
पर जाएंगे, अपना पूरा बैग कॉपी किताब लेकर के यहीं पे आएंगे और सभी यहीं पे आएंगे। आप लोग के लिए नाश्ते का अरेंजमेंट है, सभी यहीं पे करेंगे, क्लास भी इसी रूम में होगी। ठीक है, ठीक है, एक एक करके जाइए क्योंकि